दोस्तों आज मैं आपको दांतों की समस्याओं के बारे में बताऊंगी। अगर आपके मसूड़ों में समस्या है या फिर पायरिया की समस्या है या दांत में आपकी किसी भी तरह की समस्या है तो आप कैसे कर सकते हैं इलाज। दोस्तों दांतों की मजबूती सुदृढ़ मसूड़ों पर ही निर्भर करती है। अगर आपके गम्स मसूड़े मजबूत हैं तभी आपके दांत जड़ से मजबूत हो पाते हैं, नहीं तो गिर जाते हैं। मसूड़ों कैसे मजबूत कर सकते हैं? अगर मसूड़ों में सूजन आने की समस्या है, ब्लड निकलने की समस्या है तो कैसे कर सकते हैं उपचार? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको लेना है प्याज के टुकड़े, उसे तवे पे गरम कर लीजिए और दांतों के बीच में रख कर आप मुंह में उसे दबा के बंद कर लीजिए। इस प्रकार 10-12 मिनट में आप इसको जब मुंह में दबाए रहेंगे 10-12 मिनट तक तो आप देखेंगे मुंह में लार इकट्ठा हो जाता है। उसी मुँह को जो लार होता है उसके चारों तरफ मुँह में अपने घुमाते रहिए और उसे 4-5 बार आप इस प्रक्रिया को जरूर करें। आप ऐसा प्रक्रिया दोस्तों अगर 10 दिन लगातार ऐसे करते हैं दिन में 2 बार तो पायरिया की समस्या खत्म ही नहीं होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे जो दांत में कीड़े वगैरह की समस्या है, मसूड़ों में सूजन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, आपके मसूड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। दूसरा चीज़ बताने जा रही हूँ दोस्तों, अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं कि दांत ही हिलने लगा है, मसूड़े बिल्कुल पिलपिलाने लगे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं उपचार? दोस्तों उसमें भी आपको प्याज का उपयोग करना है, लेकिन प्याज को कैसे यूज करेंगे? इस उपाय के लिए आपको कच्चा प्याज लेना है, उसको 4 से 5 टुकड़ा ले लीजिए और मुँह में आप धीरे धीरे चबाइए। इतना चबाइए कि मुँह में पूरा उसका पानी और लार पूरा इकट्ठा हो जाए और उस लार को आप मुंह में पूरा धीरे धीरे ऐसे ही हिलाते रहेंगे मसूड़ों के चारों तरफ ऊपर नीचे और 5 से 10 मिनट इस तरह मुंह में आप इसे रखे रहिए। उसके बाद आप उस पूरे लार को थूक दीजिए। ऐसा दिन में 3-4 बार करिए दोस्तों। इस प्रक्रिया को अगर आप 3-4 बार दोहराते हैं दिन में तो आप देखेंगे आपके मसूड़ों में मजबूती आ जाएगी और दांत जो आपके ढीले हो रहे हैं वो भी मजबूत होने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्याज का रस ले लीजिए, उससे आप कुल्ला किया करिए। प्याज के रस से कुल्ला करने से मसूड़े मजबूत होने लगते हैं और दांत जो ढीले हो जाते हैं वो भी अपनी जगह पे आराम से सेट होने लगते हैं, यानी वहाँ मजबूती पाने लगते हैं। तो दोस्तों इन दो तरह से अगर आप उपचार को करेंगे तो आप देखेंगे मसूड़ों से संबंधित जो समस्या है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप इस तरह से प्याज से उस उपचार को करिए, इनके फ़ायदों को उठाइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।